कंस को पता था कि देवकी और वासुदेव की आठवीं संतान उसका वध करेगी, फिर भी कंस ने उन दोनों को एक ही कमरे में क्यों रखा? कंस एक महाशक्तिशाली राजा था जो अपनी शक्ति के घमंड में चूर था। अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी उसे भगवान विष्णु की चुनौती लगी और वह उन्हें अपनी ताकत के बल पर हराना चाहता था। उसे यह आसान बात लगी कि भगवान विष्णु को हराने के लिए उसे सिर्फ एक कमजोर नवजात बालक की हत्या करनी होगी। इससे उसकी मृत्यु हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए उसने देवकी और वासुदेव को अलग नहीं रखा और एक के बाद एक नवजातों की हत्या करता रहा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर एक लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।